एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। सुबह का खाना बोल सकते हैं या दोपहर का खाना बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे लगता है सभी घरों में दोपहर और सुबह का एक साथ ही हो जाता होगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर तेल गरम करने के बाद उसमें डाल दिया है कटहल। मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी दो तीन तरीक़ों से बनती है। एक तो आप इसको फ्राई करके बना सकते हैं, एक आप इसको बिना फ्राई करके बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अपना तरीका होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो कटहल है वो गर्म तेल में डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका रंग थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी जैसा नहीं हो जाता है। तो जैसा रंग अभी हो गया है मुझे ठीक लग रहा है, तो बस अब मैं इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। तो कटहल जो है मैं सारा इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है तड़का लगाऊँगी, झोंकूँगी। और कटहल हमारे घर में मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद है। ये सब्ज़ी बनती है तो ऐसा नहीं होता कि भाई ये क्या खाएगा या वो क्या खाएगी। हाँ, तन्मय कम खाता है, लेकिन हाँ, गुड्डू को हमसे भी ज़्यादा बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। ये सब्ज़ी दो उसको, पराठा दो और बूंदी का रायता दो, वो खुश हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कटहल जो है एक बार फ्राई करके निकाल लिया है, दूसरी बार डाल दिया है। तो तीन चार बार में इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी। तलने का ये रहता है, जितना भी आप तेल डालोगे कटहल जो है सारा तेल पी जाता है, तो इसीलिए कम से कम लेने की कोशिश रहती है। फिर भी मेरा थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि उतने में फिर दोबारा डालना पड़ता, तो मैंने थोड़ा सा तेल ही बचा था, बिल्कुल एक दो चम्मच। तो वो उसमें और तेल डालकर गरम कर हींग जीरा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे चॉपर में मैंने देखिए चॉप कर लिया था प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन चारों चीज़ों को एक साथ। और अब वो मैं गरम तेल में हींग जीरे के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि जीरा भी जो है अब तक चटक चुका होगा। आप जीरा और साबुत धनिया को कूट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे साबुत धनिया मिला नहीं था, मेरे पास एक डब्बी है लेकिन वो मुझे दिखी नहीं, मैंने जल्दबाजी में जो तेल गर्म हो रहा था तो मैंने जीरा जीरा डाल दिया। लेकिन हाँ, साबुत धनिया भी मैं डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जीरे के साथ ना साबुत धनिया को हल्का सा दरदरा करके डालिएगा, फिर हींग जीरा मतलब हींग डालिएगा, साबुत धनिया थोड़ा कूट कर, जीरा, उसके बाद जब वो हो जाएगा उसके बाद आप प्याज लहसुन वगैरह डाल दीजिएगा। तो आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, इस तरीके से चॉपर में करके भी डाल सकते हैं, ग्रेटर में भी करके डाल सकते हैं, कद्दूकस में भी करके डाल सकते हैं। मुझे चॉपर बढ़िया लगता है, एक मिनट से भी कम, एक मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा है, 20-30 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रंग वाली जो लाल मिर्च होती है कश्मीरी लाल मिर्च वो एक चम्मच भर के, किचन किंग मसाला, नमक वगैरह डाल दिया है। और उसके बाद मसालों को थोड़ा सा मिक्स करके प्याज में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे टमाटर, तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको भी मैंने चॉपर में चॉप किया है तीन टमाटर को। तो यहाँ पे वो डालने के बाद इनको मिक्स कर लूँगी जब तक कि टमाटर से तेल अलग नहीं होने लगता। तो यहाँ पे देखिए टमाटर से तेल अलग होने लगा है, तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी बहुत ही थोड़ी सी बची थी डब्बे में, पैकेट था, लेकिन मैं एकदम से डब्बा खाली होने पे पैकेट का सामान नहीं डालती हूँ डब्बे में। या तो मैं पहले उस डब्बे को धोती हूँ अगर वो गंदा है, अगर वो ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, तो मैं उसको थोड़ा धूप में रख देती हूँ, फिर मैं कोई सामान खाली करके उसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने मसाले में कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा भून के मैंने कटहल भी डाल दिया, और कटहल में मैंने आधा जो पिंक वाला कप है मेरे हाथ में वो मैंने पानी डाला है आधा कप के करीब। और इसको मैं अभी कम से कम 5-6 मिनट तक पका लूँगी। पहले तो सारी सब्जियों को कटहल को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दूँगी और इसकी प्लेट ढक दूँगी, इसको 5-6 मिनट पकने दूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी सब्जी, और कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना। वैसे तो हमने इसको फ्राई किया है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी डाला है कच्चा, तो उसको जो है मुझे वो करना है, फूकना है, थोड़ा पानी डालना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे ही पकाते हो तो फिर वो थोड़ा सा वो होने लगने लग जाती है, सूखी होती है। तो करीब मैं इसको अभी देख रही हूँ 1.5-2 मिनट बाद, तो इसका पानी जो है लगभग सूख ही चुका है। आप लोग सोचोगे जब पानी सुखाना ही था तो डाला क्यों। अगर मैं ऐसे ही खाली रख कर इसको पकाती तो वो थोड़ा ना नीचे से लगनी शुरू हो जाती है, और थोड़ा ना गिलगिली सी भी अच्छी लगती है, मतलब हल्का सा पानी पानी सा भी। तो अभी जो है ये हो चुकी है, इसको हो गए होंगे 5 मिनट के करीब, मैंने टाइम नहीं देखा, और सब्जी जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है, पानी एकदम से ख़त्म हो चुका है, और मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद जो है सब्ज़ी कंप्लीट ही हो जाती है। धनिया डालने का मतलब यही है कि हाँ भैया सब्ज़ी बन चुकी है।
तो बस धनिए को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और यहाँ पर मैंने इनकी प्लेट लगा दी है। सब्जी बनाते बनाते ही मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि कटहल में एक बार जब कटहल डल गई मसालों में मिक्स कर दी तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चकला बेलन वगैरह रखते हैं, पोनी शुरू करते हैं रोटी, इतना तक जो है सब्जी तैयार हो ही जाती है। तो आप लोग भी रोटी खा लीजिए, कटहल की सब्जी है और छाछ का गिलास तैयार कर दिया है इनके लिए, दो रोटी हैं, तो मैं इनको देकर आती हूँ और बाकी बच्चों को भी देती हूँ फटाफट। मैं खाना खाऊंगी, अब सब खा चुके हैं और दोपहर का 1:30 बज रहा है। दिन आज शनिवार है, तारीख आज शायद 16 मई है। तारीख के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम, मतलब तारीख का पता ही नहीं चलता, दिन का भी इसलिए पता चल जाता है आजकल क्योंकि बच्चों की क्लासेस लगी हुई हैं, तो अब भी कहीं ना कहीं संडे का इंतजार होता है क्योंकि उस दिन जो है फोन वोन भी फ्री होता है। तो तन्मय की क्लास का ये चक्कर रहा कि आज उसकी चली ही नहीं क्लास, लेकिन मैं वो रही फोन पर, वही अब ना हो जाए समझ नहीं आया स्कूल वालों का। फोन करूंगी उसकी मैडम को, उनसे पूछूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 2 बजे तक का टाइम है, क्या पता वो कहीं क्लास में बिजी हो, बात ना कर पाए, तो अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो 2 के बाद ही करूंगी मैं उनको कॉल, 2 के भी क्या, फिर मैंने कहा वो खाना पीना खाएंगी तो 2:30 बजे ही करूंगी, फिर 2:30 बजे ये आ जाएगा कि वो सो ना रही हूँ, मुझे ये रहता है कि सामने वाला परेशान ना हो। तो देखती हूँ, करूंगी तो बात शाम तक। दही निकाल रही हूँ फ्रिज से और चेक कर रही हूँ जामुन है क्या, जामुन जिससे दही जमाते हैं वो। सब्जी गर्म कर रही हूँ, कटहल की सब्जी। आज ये वाला सूट पहना है, प्रेस करने लगी थी सूट पे, लाइट भाग गई थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपने लिए छाछ बनाऊंगी। इनको भी छाछ बना के दी थी, बच्चों को खाली दही दी थी। सब्जी गर्म कर रही हूँ, ठंडी हो गई क्योंकि काफी देर हो गई बने में, 2 घंटे ही ना हो गई हूँ, ये गए थे उसी टाइम बनाई थी। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपका रश्मि प्ले बटन अभी तक नहीं आया, जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर हम यूट्यूबर्स को मिलता है। तो मैंने वैसे तो ये एक बार दिखाया भी था, इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी वीडियो में, पर शायद वो वीडियो उनसे मिस हो गया हो, तो मैंने कहा चलो ये मैं दिखाती हूँ। और इसको ना मैं कभी कभी बहुत निहारती हूँ, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसको देख कर, एक हिम्मत सी मिलती है। तो ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन जिसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो ये मेरी गैलरी है, जैसे ऐसे एंट्री करते हैं चैनल है, तो चैनल के बाद जो ये गैलरी की दीवार है, मेरे बेडरूम वाली ही है ये दीवार बाहर की साइड, तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया हुआ है। मैंने इसको लगाने का बहुत सोचा कि इधर लगाऊं उधर लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि यहाँ लगना चाहिए, कोई मेरे घर आता है वो इसकी तरफ देखता है, पता नहीं क्यों मुझे ये लगा। एक यूट्यूबर के लिए उसका सिल्वर प्ले बटन जो पहले मिलता है वो बहुत सारी उसको खुशियाँ देता है, इसका अरमान हर एक यूट्यूबर को होता है कि ये अवार्ड उसको मिले। तो यहाँ पर है ये गैलरी में,
इस जगह पर, और इसको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से ये कमेंट में पढ़ रही थी, बार बार मैंने उनको बोला कि मुझे मिल गया है, रिप्लाई किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उनको दिखा भी देती हूँ। तो ये है जो आप लोगों की वजह से मुझे मिला है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर सा गिफ्ट, आप लोगों की तरफ से ही है एक तरह से ये मेरे लिए। और यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ तन्मय को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। उसकी बातें तो आप लोगों को पता ही है, ख़त्म नहीं होती हैं। वो एक के बाद एक सवाल करता है, उसका जवाब दो, फिर एक नया सवाल। तो मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, और मम्मी से बात करते करते ही मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने उसको भेजा, मैंने कहा पूरा बैग लेकर आओ अंदर से। वो अपनी मनमर्जी करता है कि मुझे तो अभी जो है इस वाली नोटबुक में पढ़ना है, मुझे अभी ये वाला काम करना है। तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया, वो रोने भी लगा। तो फिर मैंने कहा बैग लेकर आओ, अच्छा जो पढ़ना है पढ़ लेना। बातों में लगाकर बहुत कुछ समझाकर उसको पढ़ाना पड़ता है। फिर गुड्डू आई, वो अपनी कुछ स्कूल की ऐप के बारे में बता रही थी। उसकी स्कूल से एक नया ऐप शुरू हो गया है जिससे पढ़ाई होगी, तो मैं उसका वो देख रही थी। तो बस मैं उसकी ऐप वगैरह देख रही थी जो अब डाउनलोड करनी है। और एक चीज़ सोच रही थी बैठ कर कि सारे काम तो ऑनलाइन होते ही थे, बस एक यही काम बचा था पढ़ाई का, ऑनलाइन ये भी शुरू हो गया है। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है, क्या नहीं आता है। लेकिन हाँ, मुझे ये सब ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह ठीक नहीं लगती है। ये साल की नहीं है, मंथ की है, जब आप 9 मंथ के थे। हाँ, एक बार सुना ड्रामनी है वो, पापा कहते हर रोज कहते थे, रात रात को जब वो टीवी देखते थे ऐसे कहते थे तुमने सपने में आएंगे। और एक दिन मेरे को हड्डी और भूत वाला सपना आया, वो भी सुबह हो गई, फिर वो चला गया मेरे दिमाग से। और फिर रात हुई, पापा ने फिर मूवी दिखाई और फिर बोले थे रात को नहीं आएगा सपना। फिर वो वाला मार्क्स वाला आया, वंजना वाला, फिर उसके बाद वो वाला आया बादल वाला। और ये नहीं मैं जाता, ये नहीं, ये इस घर को पापा को यहीं छोड़ के हम इससे बोले हम दूसरा घर ले लेते। हाँ, वरना मेरे को बहुत डर लगता है इस टीवी को ही ना, हमें एक दो का टीवी खरीदना चाहिए। बताओ कौन सा जो लक्की भैया का है, उसमें ड्रामनी मूवी नहीं आती। नया टीवी लूं? हाँ, पापा मम्मी देख लो ना, टीवी में भयानक मूवी आती और है। नया घर लूं? एक चैनल पे बहुत ड्रामनी मूवी आता है। मतलब नया घर भी लेना है क्या? हाँ, नया घर भी लेना है और एक नया टीवी भी। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? अगर एक दिन अच्छी अच्छी नाते गायब होगी ना, फिर वाली आए क्या बोले पूर्णिमा की रात, फिर मैं बचूंगा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। फिर मैं टैडी बन चुका हूँ। टैडी कहाँ देखा? देखा नहीं, सपने में देखा। जब देखो रात को मेरे को बूढ़े बूढ़े सपने आते हैं भूत वाले। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। भगवान जी का नाम लिया करो, ओम बोला करो, ओम बोलो। नहीं, और मेरे उस कंजरा वाले सपने बताऊं, आप वो मूवी क्यों देखी थी पापा के साथ? एक गलती आपकी है, आपको वो मूवी। सुना थोड़ा, उसमें ना एक ना टीवी, ये टीवी कबाड़े वाले भेज दो और एक नया टीवी ले लो। नया टीवी जैसे कहा कि मेरे घर अच्छा टीवी, बच्चों वाला रिमोट ले लो ना। अगर कोई ड्रामा सीरियल और कोई ड्रामा सीरियल हमें ड्राम नहीं पाएगा। हाँ ये सही है रिमोट। पर गलती तो फिर भी आपकी होगी ना, अगर पापा नए टीवी में कुछ देख रहे हैं, आप भी आ गए तो फिर। मम्मी मम्मी टीवी इतने सालों से चल रहा, बेच दूँ उसको? हाँ इतने साल से चल रहा है मैं टीवी। भी तो उतने ही साल से हूँ जितने साल से वो टीवी है, फिर मैं भी चली जाती हूँ। क्यों, टीवी पुराना आप है? तो जब से पैदा हो आप तो इतने भी बड़े नहीं हुए पापा जितने, आप तो कुछ बने भी नहीं। ने ये कुछ बनाया है, बोट बनाइए है, कहाँ देख के? हाँ, और वो ना मिस्टर बीन के बाद आता है, हम उसमें ना एक ना कलरफुल चीजें ये देखते हैं। अच्छा, ये ऐसे है पानी को वो करने के लिए, अभी और भी लगाऊंगी दोनों साइड। और ये इंसान है, इंसान ये इंसान है, गुड्डू ने अपने आप किया है ये। और यहाँ पे ये इसने टेप का बचा हुआ, ये मैंने बताया था इसको किस तरीके से ये सेल लगी हुई है बोट के अंदर,
यहाँ आपको ना वो वाइट जैसे कपड़ों में बचा हुआ नहीं आता, वो फोम सी, वो यहाँ लगा देनी चाहिए थी नीचे, इधर थर्माकोल। भी। थर्माकोल अलग होता है, वो एक ओ अलग होती है वो, भाई और ये इस तरीके कुछ से, यहाँ से कलर निकला ये उधर जा रही है ऐसे। केरला में कथकली फेमस होता है ना, तो इसलिए हमने हाँ से बनाए ढंग से कथकली फेस। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बनाया है। तो गुड्डू ये सब करती रहती है पढ़ाई के अलावा, जब वो बोर होती है तो उसको ये सब करना पसंद है बहुत। अंदर वाला कमरा अगर मैं दिखाऊं तो इतनी सारी पेंटिंग चिपका दी इधर उधर इधर उधर, इसको क्योंकि पसंद वहां पे है। छेद हो रहे हैं। अच्छा, छेद को छुपाने के लिए। अच्छा फिर ठीक है, दीवार पे छेद हो रहे हैं उसको छिपाने के पांच लिए। बजने वाले हैं और मैं सोची थी कि मैं सो जाऊं, थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन नहीं सो पाई। बच्चे कहाँ सोने देते हैं, बच्चों को नींद नहीं आती। मैं सोची थी तन्मय को भी कि भाई ये भी सो जाए ये भी सो जाए, वो भी नहीं सोया, बातों में लगाए रखा और इतना टाइम हो गया। तो बस मैं किचन में उठी, पानी वानी पिया, मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी पूछते हैं कुछ देते हैं, तो उनको जो है शेक वगैरह बना कर दिया है। और मैं पी रही थी पानी ऐसे करके गिलास से गुड़ 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 करके। हुआ क्या कि वो पहला ही सिप इतनी तेज आया कि वो मुंह के बाद सारा कपड़ों पे, और गीले कपड़े पहने नहीं जाते। फिर मैंने वो कुर्ता चेंज किया और ये कुर्ता पहन लिया है। प्लाजो ठीक था इसका, तो मैंने कहा चलो कुर्ती चेंज कर लेते। पहले मैं गाउन पहनने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो लगे हाथों जो है आप लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करने जा रही हूँ कमेंट्स को लेकर। मैंने जैसा कि बोला था कि कुछ भी कमेंट्स आते हैं वो मैं संडे में पढ़ा करूंगी आप लोगों के, शनिवार वाली वीडियो में देखकर जो शनिवार को जाएगी। तो मैंने जो देखा उसमें कमेंट्स, जो दो कमेंट्स ज्यादा मुझे लगे हैं, एक तो आपकी YouTube अर्निंग वगैरह, तो देखिए उसके बारे में जो होगा देखती हूँ मैं, आप लोगों से अलग से बात करूंगी बैठकर, देखती हूँ कर भी पाऊंगी कि नहीं भी कर पाऊंगी। आलस आ जाता है, वही कल संडे है, अच्छा संडे है, संडे है, तो संडे वाली वो आ जाती है मेरे अंदर आलस सा कि भाई अब छोड़ छोड़, आलस आ जाता है। और दूसरा जो सवाल है वो ये था कि भाभी वीडियो में क्यों नहीं आ रही। ये सवाल पिछले 10-12 दिनों से रोजाना आ रहा है मेरे पास। पहले कम आ रहा था, बीच में ज्यादा हुआ, अभी ज्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी लड़ाई हो गई है उनसे, कुछ बोल रहे हैं कहां सुनी हो गई है, कुछ तो बात हुई है जरूर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोगों ने पूछा है, मैंने वहां भी बताया, क्योंकि मैं कोई सस्पेंस बनाकर नहीं चलने वाली हूँ कि सवाल आ रहे हैं मैं जवाब ना दूं। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है, जैसे किसी ने पूछा है कि लड़ाई हुई है, तो मैंने उनको बोला है नहीं लड़ाई नहीं हुई है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये रिश्ता शुरू से ही ऐसा था, ऐसा नहीं है कि YouTube पे आने के बाद ही ऐसा हुआ है। मेरा हर किसी के साथ ही कनेक्शन जो बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, खराब नहीं होता है वो, चाहे उसमें ज्यादा बातचीत हो या ना हो, लेकिन वो कनेक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है। और वो तो फिर देखिए मेरे पास ही रहती है, तो उनसे कैसे खराब होगा ना। वो जो है वो ही है ना, देखो दो जने हैं उधर से, वो भी बराबर आपकी तरफ चल रहा है, मैं भी चल रही हूँ, तो खराब नहीं होगा कनेक्शन। दोनों अपना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छी है, तो खराब कैसे हो सकता है, लड़ाई कैसे हो सकती है। वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ, किस बात की लड़ाई होगी। तो सब कुछ ठीक ठाक है। रही बात उनको वीडियो में लेने की, तो जरूर मैं लूंगी, अगर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो आती है, जैसे पहले लेती थी वैसे ही लूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वो लगता है, देखो मुझे झिझक महसूस होती है, पहले नहीं होती थी अब होती है, या तो ये कह लो कि पहले ज्यादा समझदारी नहीं थी, मैं ये सोच के नहीं चलती थी कि आगे लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे। अब ये हो गया है कि लोगों ने बोला है तो मेरे दिमाग में आने लगा है कि भाई नहीं करना चाहिए, ये व्यूज के लिए यूज कर रही हूँ। यूज जैसा शब्द अगर मेरी मम्मी को लेकर भी आता है कि मैं उनको यूज कर रही हूँ, तो मैं उनको भी जो है धीरे धीरे नहीं लूंगी, क्योंकि यूज जैसा शब्द आप अगर सुन रहे हैं, सामने वाला भी सुन रहा है, दोनों के मन में अगर खटास हो रही है, रिश्ता खराब हो रहा है, तो उससे बेटर है कि चीजों को वो कर दो, जहां से वो चीज उठी है वहां पे ही वो चीजों को कम कर दो। आपका रिश्ता वीडियोस के पीछे क्या है वो जाने, मैं जानू यहां तक लाना ही क्यों। मैं बोलना ही नहीं चाह रही थी इस बात के ऊपर, मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं रोजाना के आ रहे हैं, आप लोगों का हक भी है पूछने का और बनता भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी मेरा फैमिली मेंबर मेरी वीडियोस में आता है, मुझे मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी। क्योंकि देखिए आप मुझे रोज देखते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स को देखेंगे मुझे अच्छा लगेगा, उनको दिखाना उनसे मिलवाना, मेरी वजह से किसी और पे उंगली ना उठे, किसी और को कोई कुछ नहीं बोले।
तो जो भी था मैंने बोल दिया। लॉकडाउन की वजह से हम दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम हो रहा है। फोन पे बात होती है लेकिन मिलना जुलना बहुत कम हो रहा है। अब देखिए आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता। मुझे ये बात बोलनी थी, मैंने बोल दी और बस अब हम यहीं पर इस वीडियो का एंड कर देते हैं। चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।